आइए हम बिहार चलते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले से ग्राम पंचायत धरणिया के प्रधान श्री अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं अजय सिंह यादव मुखिया दल पंचायत धरनाई बिहार से सर, बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं सर। नमस्कार जी। हाँ बताइए अजय जी। सर जी, सर लॉकडाउन का सर 22 तारीख का सर बंदी हुआ, उसके बाद सर 4 दिन सर लगातार अपने स्वयं माइकिंग कर पूरा पंचायत क्षेत्र में सर प्रचार किया सर कि लॉकडाउन का पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाना है, कम से कम 6 फीट पर के दूरी पर कहीं भी बात आप लोगों को समझाइए, 2 गज की दूरी करिए। अजय जी लोगों को समझाइए, 2 गज की दूरी। हाँ, 2 व्यक्ति की दूरी सर। और सर गांव में सर ब्लीचिंग पाउडर छिटवाएं सर, घर घर जाकर सर जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड पंच, सरपंच साहब सभी मिलकर हर घर प्रत्येक घर में एक अक्षर साबुन दिए सर और सभी के हाथ धोने के लिए सिखलाएं सर, 1 घंटा आधा घंटा पर हमेशा हाथ धोइए और जागरूक रहिए। फिर सर होम क्वारंटाइन में सर 18 लोग के रखे सर, उसको भी पंचायत स्तर से जो सुविधाएं देना था सर वो दिए। फिर मध्य विद्यालय धरनई में सर 30 बेड का एक होम क्वारंटाइन सेंटर बनाए सर, उसमें भी खाने पीने का सुविधा, एनएम दीदी की ड्यूटी लगाए, चौकीदार का ड्यूटी लगाए सर, एक ग्राम रक्षा दल सर पंचायत पर नियुक्त हमने किए हैं सर 43 सदस्यों को, उसको भी सभी गांवों में सर गांव के शुरुआत में बांस लगाकर घेरे सर कि गांव के व्यक्ति बाहर नहीं जाए, अति आवश्यकता कार्य हो तो वही बाहर जाए, जैसे इमरजेंसी काम के लिए दवा लाने के लिए। और सर स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल टीम हमेशा मेरा पंचायत में आते हैं हफ्ता में 2 बार सर, पंचायत सरकार भवन के पास सर, उसमें भी हम लोग सहयोग किए जनप्रतिनिधि सर, हमेशा सर 3 दिन पर मीटिंग करते हैं सर, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, न्याय पंचायत और पंचायत कर्मी सब सर, और जागरूक करते जी, हैं आपकी सर। आपकी पंचायत से भी अनेक प्रवासी साथी दूसरे शहरों से घर लौटे होंगे, जो नहीं आ पाए वो भी आना चाहते होंगे। जी आना चाहते हैं सर, बाकी मैसेज हम लोग किए हैं कि जहां है जहां रहिए, लॉकडाउन पूरा खुलेगा तब आना है भाई, न तो 14 दिन हम स्कूल में रखेंगे तो वो लोग कहता है कि नहीं मुखिया जी हम रहेंगे, अभी बाहर खुलेगा तब आएंगे, 14 दिन नहीं रहेंगे। देखिए आपकी बात मानते हैं सब लोग। हाँ मानते हैं सर। चलिए आप सब सुरक्षित रहें और जो लोग शहरों में हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके मन शांत रहे। आप जरूर उनसे फोन पे बातें करते रहिए ताकि शहर में थोड़ा उनको तकलीफ जरा मन को ज्यादा होती है, घर याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन ऐसे समय गांव से लोग अगर उनसे बात कर लेते हैं तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। और आपको काम कर रहे हैं इसलिए मैं बधाई देता हूं। आइए हम उत्तर प्रदेश बस्ती चलते हैं। बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देई की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूं और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? सर मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप घर कितने में समय से प्रधान है? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान ही हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है तो वहाँ कैसे कर रही हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है, संतोष किसान सबको? सर बहुत ही संतुष्ट हैं लोग,
आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है। बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है, लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है, नहीं सर अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर कहीं आप देखते। उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे, तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और छोड़ते इसलिए 2 गज की दूरी, ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। दो जी गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा है और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है, तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे, तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है, आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ क्या बोलते हैं? आपके इस काम से। बोलते हैं जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी, आप बहुत अच्छा पर काम गांव कर रही में हैं। ये सर हाँ बताइए, कुछ कह रही थी आप। सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता। सर सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं, तो बस 2 गज ये की हम दूरी मतलब ये सौभाग्य है। हम सबको बचाएगी, 2 गज की दूरी। खैर, मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है, क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है। सबसे बड़ी ताकत विश्वास है, खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है, और संकल्प है कि हमें संकट से निकलना है। आइए पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके चलते हुए हमारे गांव में हमारे गांव वासी और हमारे गांव के युवाओं का जो सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि आपके द्वारा दिए गए संदेश का पालन कर रहे हैं, घर पे रहिए, तो सर इसके लिए हमने अपने गांव में बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अपने गांव के दोनों प्रवेश द्वारों पर नाके लगाए हुए हैं, जिसमें मैं खुद भी जाती हूँ और मेरे गांव के जितने भी मेरे पंच हैं और जो उनमें उनके साथ हमारे युवा हैं, वो सब वहां पे पहरा दे रहे हैं, ताकि ना कोई गाँव से बाहर जा सके बिना काम से और ना ही कोई गाँव के अंदर आ सके। और इसके बाद जो हमने घर घर जाके लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी है, वैसे तो सर जो 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसी दिन जो 31 तक जो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, काफी लोग हैं जो उसी टाइम इस चीज की पालना कर रहे थे कि लॉकडाउन है तो अपने अपने घर पे रहिए। और हमारे द्वारा, मेरी पूरी पंचायत के द्वारा जो है लोगों को समझाया गया है, अपने घर पर रहिए और अपने अपने घर में भी अगर आप बैठते हैं, दूरी बना के बैठिए, टाइम टू टाइम अपने हाथ धोइए और हाथ मुंह आंखें जो है इनको बार बार आप छुए ना,
तो सर जैसे कि अभी हमारे पंजाब में अभी फसलों की कटान का सीजन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता जो है इस चीज पे देखनी है। जैसे कि अभी कटान चल रही है, तो पंजाब सरकार की तरफ से जो है कुछ विशेष नियम जो है पालन उनको मतलब बताया गया है लोगों को कि आपको ये नियम जो है इनकी पालना करनी है। जैसे कि कटान के समय में आपको 2-2 मीटर की दूरी पे बैठना है अगर आप जब कटान करते हैं, और बार बार हाथ धोने हैं उसमें। उसमें भी सर उसके कुछ विशेष और भी प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि फसलें आती हैं उनको मंडी में कैसे ले जाना है सर, ये सारे प्रबंध जो हैं, जैसे 4 और 5 गांव की मिला के एक मंडी बनाई गई है, जहां पे क्या होगा, हम जो किसान हैं वो पहले होलोग्राम पर्ची लेंगे, उसके बाद ही वो मंडी में जा सकते हैं। अगर उनको होलोग्राम पर्ची उनके पास होगी तभी वो मंडी में जाएंगे। और उनको ये भी हमने बताया है कि आपको जो है ट्रैक्टर पे सिर्फ जो है 50 क्विंटल कनक जो एक बार मंडी में आप ले जा सकते हैं, और ट्रैक्टर पे सिर्फ एक ड्राइवर और उनके साथ एक सहयोगी होगा, वो भी आपस में जो है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। पल्लवी जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से बता दिया। मैं सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने बढ़िया तरीके से इन सारे संकट में समय अपने गांव को संभाला है, और गांव वाले आपकी बात मानते हैं। आपकी बात सही है, किसान का जी सर, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, और निस्वार्थ भावना से पूरे देश का पेट पालता है। ये किसान और पशुपालक साथी हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के कारण देश को जरूरी अनाज, सब्जी, दूध, फल, इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके ठीक इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहाँ संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करती थी। जैसे वो जी एक काम सर, है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में, पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए, पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा जी कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी, और मेरी तरफ से आपको जी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।